नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी की पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं और वैसे भी कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। ऐसे में जब बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की हो तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए तैयारियां करना और भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव में 325 सीटों पर जीतने वाली बीजेपी ने 15 सालों बाद उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी। 15 साल बाद उत्तर प्रदेश की इस मिली सत्ता को अब बीजेपी खोने के मूड में कतई नहीं है और यही वजह है कि बीजेपी लगातार हर चुनाव के दौरान में पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में झोंकती रही है। चाहे लोकसभा चुनाव की बात कीजिए या फिर इसके अलावा अभी निगम के चुनावों की बात कीजिए, पंचायत के चुनावों की बात कीजिए, इन चुनावों के दौरान में भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। और भले ही पंचायत चुनाव के दौरान में बीजेपी को बहुत बढ़त ना मिली हो, लेकिन आगे जब जिला पंचायत की बारी आई तो उस दौरान में बीजेपी ने बढ़त बनाने में कामयाबी हासिल की। विपक्षी पार्टियां भले ही तमाम आरोप लगाती रहे, लेकिन बीजेपी ने उसमें अपनी बढ़त जो साबित करनी थी उस बढ़त को साबित करने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल की है। अब जब बात 2022 के विधानसभा चुनाव की हो रही है और यहाँ पर बात बीजेपी की नाक की और सांप की है, तो अमित शाह जो कि बीजेपी के रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्होंने फिर से एक बार मोर्चा संभाल लिया है। पिछले कुछ दिनों में भी आपने देखा कि बीएस संतोष लगातार चक्कर काट रहे थे उत्तर प्रदेश के और बीजेपी का जो है रिपोर्ट कार्ड उत्तर प्रदेश का वो तैयार करके केंद्र तक पहुँचाया जा रहा था। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक की उस रिपोर्ट कार्ड पर पूरी नजर रही और एक बार फिर से ये तय हो गया कि जो विधानसभा चुनाव है 2022 का वो सीएम योगी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश में चेहरा सीएम योगी ही रहेंगे, क्योंकि इससे पहले उनके चेहरे को लेकर भी कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन स्थिति अब बिल्कुल स्पष्ट है, 4 महीने का वक्त है और इस 4 महीने के वक्त के लिए 4 करोड़ का टारगेट बीजेपी ने बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये 4 करोड़ है क्या। दरअसल ये 4 करोड़ है कि बीजेपी 4 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश में अपने बनाने जा रही है। इससे पहले भी बीजेपी लगातार कह चुकी है कि हमारा फोकस एक एक बूथ पर होगा। पिछले चुनाव में 3.5 करोड़ वोट बीजेपी को हासिल हुए थे, लेकिन इस बार बीजेपी का दावा है कि 4 करोड़ वोटों के साथ में 325 सीटें उत्तर प्रदेश में जो पिछली बार की जीत से उन्होंने मिली थी उस 325 से भी ज़्यादा सीटें इस बार हासिल करेंगे। पिछले बार की चुनाव की अगर बात करते हो 325 सीटें बीजेपी और गठबंधन के खाते में रही, लेकिन इस बार बीजेपी की यह कोशिश है कि इस आंकड़े को भी पार कर दिया जाए और 3.5 करोड़ जो पिछली बार के वोट का आंकड़ा था उस वोट के आंकड़े को 4 करोड़ कर दिया जाए। दरअसल बीजेपी इससे पहले भी मेंबरशिप अभियान अपना यानी सदस्यता अभियान बीजेपी इससे पहले भी चलाती रही है और यही वजह कि 2.5 करोड़ कार्यकर्ता फिलहाल बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश के अंदर है। ऐसे में बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की तादाद को बढ़ाने के लिए एक बार फिर से सदस्यता अभियान के जरिए बीजेपी को बढ़त दिलाने की जुगत में बैठी हुई है, यानी एक बार फिर से बूथ स्तर पर तमाम जो लोग हैं उनको जुटाया जाएगा। इसके साथ साथ 4 करोड़ की संख्या को हासिल करने के लिए बीजेपी फिर से काम पर लग चुकी है। खास बात यह है कि मेंबरशिप लेने के बाद में उसको क्लैरिफाई भी किया जाएगा कि क्या ये वाकई ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और इसी के साथ में अपने 4 करोड़ के लक्ष्य को तय करने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी? अपने 4 करोड़ कार्यकर्ताओं की तादाद का लक्ष्य लेकर जो बीजेपी चल रही है, क्या ये कार्यकर्ता वाकई वोट में तब्दील भी हो पाएंगे? क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी को विपक्ष लगातार घेर रहा है, वो चाहे किसान कानून को लेकर बात हो या फिर लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर बात हो, ऐसे कई मसले हैं जिनको लेकर बीजेपी का विपक्ष लगातार घेराव कर रहा है। लेकिन क्योंकि अमित शाह बीजेपी के रणनीतिकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई ठोस प्लानिंग उनके पास है और उस ठोस प्लानिंग में सबसे पहले काम 4 करोड़ सदस्यों पर किया जाएगा।